ओहो बेचारी पबजी बैन होगी, कोई हाल नहीं, अब पबजी पटाखों में फटेगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्पेशल, आज ब्लॉगिंग चलेगी क्रैक्स के ऊपर। क्रैक क्रैक पटाखे पटाखा स्काई शॉट है ना, मैं आज का आपको खोल के दिखाऊंगा कि उसमें क्या सीन रहता है, खोल के भी और बजा के भी। तो ये ब्लॉग आज सारा उसी पे जाने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करें। फ्रेंड्स हम जाने के लिए तैयार हैं। हम जाने के लिए क्या क्या चीज़ लेंगे? पटाखा खोलने के लिए पेचकस की जरूरत पड़ सकती है, पेचकस भी ले लेंगे, टेस्ट पिन भी ले लेंगे, छोटे वाला पेचकस, ठीक है। पटाखे को काटने के लिए ब्लेड की जरूरत पड़ेगी, तो ब्लेड भी हम ले लेंगे। और लास्ट में प्लास नहीं है, प्लास नहीं है, और पटाखा खोल के भी तो दिखाना है। अभी उससे पहले भी हम एक माचिस माचिस भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ है नहीं, एक दो तिलियाँ हैं, ले लेते हैं, इसको बैग में डाल लेते हैं। एक्शन कैमरा हमारा चार्ज हो गया, उससे भी पहले हम नागपाल जी से पूछ आते हैं कि वो तैयार है, उनकी है क्या शॉप पे, उनकी शॉप मेरे पास ही है, तो चलो पहले उनके पास ही जा आते हैं। मेरा कैमरा घूमरा तैयार हो रहा है, तो अभी उनके पास जाके मैं पूछ के आऊँगा। उनकी शॉप भी है, मतलब कि चलो शॉप को लॉक लगा लिया। क्या से ये नागपाल जी, पर नाम 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 भूल गया मैं, वैसे मैं इनको ट्रैकिंग को बताता था, नागपाल जी बताता हूँ। वो भैया गोदाम पे जाएंगे, तो भैया गोदाम पे चले, गोदाम इन पे मिलेगा। गोदाम का नाम क्या था? एम आर क्या? आर आर फायरवर्क्स। वैसे कोरियर कोरियर आर आर एम फायर वर्क्स वर्क्स। तो चलो चले। तो फ्रेंड्स गोदाम भी इन्हीं का है, और ये मेरे पास में ही अपने खासी भी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वो नागपाल जी, मैं तो इनको नागपाल जी बताता हूँ, वैसे मैं रात को दुकान खुली छोड़ दी हूँ, तो ये मुझे बता देते हैं रात को 10 बजे दुकान खुली टेंचर में। तो चलो चले अभी इनके गोदाम में चलते हैं। फ्रेंड्स हम पटाखों के गोदाम में पहुँच चुके हैं, मेरे पीछे पटाखों का गोदाम है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी पटाखे लगते हैं तो पूरा मतलब कि यहाँ शहर का इलाका नहीं होता, ताजो आपको पता है ना कि क्या क्या हो सकता है। तो ये है आर एम फायर वर्क्स। तो चलो आपको ये गोदाम दिखा देता हूँ, अगर आपने परचेज़ करना है गोदाम, लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने करना क्या है, लोकेशन पे क्लिक करना है, सारी आपको डिटेल मिल जाएगी, फ़ोन नंबर भी नीचे मिल जाएंगे। अगर आप दुकानदार हो चाहे फिर आपने वैसे माल परचेज करना है तो यहाँ पे आ सकते हो। तो चलो अब आपको वर्कशॉप दिखाता हूँ, इसमें कौन कौन से पटाखे हैं, कोई नए पटाखे भी आए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्काइड रोड वाला सड़क है, इसके सामने आपको ये पटाखे बड़े बड़े लिखे हुए दिख जाएंगे। तो आर एम फायर वर्क्स आपको मिल जाएगा, ये फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये देख सकते हो कि अभी दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो ये सारे मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो ये सारे पटाखे पटाखे ही है एकदम। अब थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा देता हूँ। यहाँ पे ये भैया ओनर है, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिए थे, ये सारे पटाखे हैं, आपको लोकेशन लिंक में सारा कुछ मिल जाएगा। तो अब म्यूजिक लगा के बैकग्राउंड में आपको दिखा दूँ। आनी है तो यहाँ पे कुछ पटाखे नए आए हैं, जैसे कि ये ड्रोन आया हुआ है, ये 4 व्हील आया हुआ है, और ये 5G गोल्ड आया हुआ है, ये कुछ पटाखे नए आए हुए हैं। और जो लड़ीज चलाने के आदि है, जिनको बहुत शौक है कि हाँ भाई पैंच सड़क में लंबे पटाखे रखे चलाने हैं ना, तो ये 5-10 हज़ार से स्टार्ट हो गए, 5 हज़ार और 10 हज़ार, मतलब कि सबसे छोटी लड़ी मतलब कि आपके बजट के हिसाब से, उससे बड़ी लड़ी, उससे बड़ी लड़ी, अगर आप और ज़्यादा बजट खर्च लेते हो तो वो 240 शॉट है, मतलब कि लगा के आप आधा घंटा पौना घंटा बैठ जाओ और आनंद लो मोबाइल का कैमरा ऑन करके। तो आज क्या सीन है, आज सीन ये है कि मैं आज स्पाइडरमैन, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये स्पाइडरमैन इसके अंदर क्या आइटम भरी हुई है, वो कैसे चलती है, दोनों बकायदा एक चीज़ को भी चला के दिखाऊंगा, और पहले इसको काट फीट के दिखाएंगे इसके अंदर है क्या। मतलब ये मेरा नया कॉन्सेप्ट है, ये मैं सस्ता इसलिए चला रहा हूँ, मतलब कि ये इससे भी प्रीमियम प्रीमियम है। अगर आपने सपोर्ट की तो
अगली बार ये पटाखा तोड़ के दिखाएंगे और चला के भी दिखाएंगे। फिलहाल मेरी ब्लॉग पता नहीं कैसा होगा कि इसलिए एक्सपीरियंस है कि मतलब कि फर्स्ट वीडियो है मेरी पटाखे के ऊपर। दिवाली पास में आ रही है, दशहरा पास में आ रहा है। अगर आपने परचेज करना है तो आप गोदाम का लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आ सकते हो। फिलहाल हम स्पाइडरमैन को खोल फील के देखेंगे इसके अंदर कौन से चश्मे या कौन से जाल फेंक रहा है ये। और ये इसमें कलर भी आपको मल्टी कलर भी मिल जाते हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक ग्रीन, रेड और शायद येलो भी मिलता होगा। पर फिलहाल आप इसका ऑपरेशन करके दिखाऊंगा मैं, और बकायदा ये तीन है, तीन में से दो चला के दिखाऊंगा और एक को क्या खोलना हमने, ठीक है। और रात का सीन ऐसा है कि देखेंगे, एक मैं कोशिश हुआ, कन्फर्म नहीं कहता, कोशिश हुआ तो एक मैं रात को चला के दिखा दूंगा, कन्फर्म नहीं है, पर फिर भी मैं आप इसके दिखाऊंगा। आप वीडियो के साथ जुड़े रहे और नेक्स्ट वीडियो में ना इस गोदाम की सारी वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपको कल या परसों तक आ जाएगी। इस गोदाम में आपको कौन कौन से ब्रांड के पटाखे मिल जाएंगे, किस रेंज से स्टार्ट हो गए, किस रेंज तक एंड मिल जाएंगे। एक चीज़ बता दूँ, ज़्यादातर वहाँ वही इंसान है ना जिन्होंने अपनी शॉप के लिए सेल करने के लिए पटाखे परचेज करने हैं, पर कई शौकीन ऐसे होते हैं जो 10-20 हज़ार के पटाखे परचेज करते हैं, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर कहेंगे बात की जाए तो ये आपको सिंगल डब्बी यहाँ, अगर आप आ रहे हो इतनी दूर से सिंगल डब्बी लेने के लिए, वैसे नहीं मिलेगी। अगर आप मेरी वीडियो देख के आ रहे हो तो आपको सिंगल डब्बी मिल जाएगी, मेरा नाम लेना पड़ेगा आपको और डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो भी आपको मिलेगा पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये भैया खड़े हैं ऑनर, भैया डिस्काउंट मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। मेरी वीडियो देख के आ रहे हैं ना, खड़े इधर, प्लीज मास्क उतारिए, नमस्कार एक बार। तो ये अभी हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सारे उजार उजूर ले आया, इसकी वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी। और एक चीज़ और, ये ड्रोन है, ड्रोन कैसा सिस्टम है आपको दिखा देता हूँ। ड्रोन का सिस्टम मेरे पास खुला भी पड़ा हुआ है। ड्रोन सिस्टम ये है, देखो ये वाला ड्रोन सिस्टम है, ये चलेगा कुछ ऐसे, ये देखो चलेगा कैसे, जैसे ये फुल चढ़ियाँ नीचे से लगाता चलेगा, ये ऐसा रखेंगे, मतलब उल्टा नहीं रखना, इसको सीधा रखना है, सीधा रख के चलाना है। और ये आई थिंक ये ऐसे रख के चलेगा, ऐसे रख के आप इसको आग लगाओगे फिर ये घूमेगा, ये ऊपर जाएगा, या फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा आई थिंक। और ये चलेगा और इसके ना आग निकलेगी नीचे से, मतलब कि ड्रोन जैसे ये आप दिखा रहे हो ना, ये दो साइड से दिखा रहे हो पर ये एक साइड से ही निकालेगा, पर ड्रोन जब ऊपर चढ़ेगा, ये ऊपर उड़ेगा, मेन बात ये ऊपर उड़ेगा। ये नई आइटम आई हुई है, ड्रोन प्लस 9, ठीक है ना। तो ये फोर व्हील आए हुए हैं, फोर व्हील भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। फोर व्हील चक्री है आई थिंक, कुछ इसका अलग कंसेप्ट होगा मेरे ख्याल से। फोर व्हील है, ये चेक कर सकते हो, ये ऐसे चलेगी, ये पोल्यूशन फ्री है बिल्कुल, मतलब इसमें प्रदूषण नहीं आता, नहीं आता। जब ये चलेगी तो ये धुआं ऐसा धुआं करती है जो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओह माय गॉड। ये अनार भी ऐसा है जो पूरी क्रैकलिंग करता है, ये डिफरेंट है, पूरे कुरुक्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे मेन बात सुन लो, मेड इन इंडिया। हाँ, और आरएम फायरवर्क्स कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही मिलेगा ये सब माल, मतलब की लोकेशन लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये भी नई आइटम है, ये भी नई आइटम है। ये 5 तरह का अनार चलता है और पूरा पीकॉक बना देता है चलने के बाद, और बहुत अच्छा ये भी कंसेप्ट है, घर में अच्छा लगेगा। ये सारे नए हैं। एक चीज़ और बतानी थी, ओहो बेचारी पबजी बैन होगी, कोई हाल नहीं, अब पबजी पटाखों में फटेगी। पबजी बैन होगी, इसमें कलर बहुत आते हैं, पबजी आती है इसमें, मतलब कि ये सिंपल सा कलर होता जो येलो चलता है, ये ग्रीन और ये रेड। तो आज हम स्पाइडरमैन का मतलब कि इसे चिकित्सा कर देंगे, इसको हलाल कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहे, आपको की जानकारी अगली वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल यहाँ से मैं बता दूँ, 50 रुपये से आइटम स्टार्ट हो जाती है और जाने को 10-20-50 हज़ार तक चली जाती है। अगर आप बल्क में ले लोगे तो 50 हो जाएगी, लाख हो जाएगी, करोड़ हो जाएगी। पर सबसे महंगा वाला पटाखा कितने का होगा भैया? भाई साहब ये 10 रुपये से शुरू हो जाती है। अच्छा, 10 रुपये से उल्टा हो गया, 50 रुपये से स्टार्ट, ओनली 10 रुपीज से 10 रुपये से शुरू हो जाती है। पर नहीं, वो क्या कहते हैं, सबसे महंगा वाला पटाखा कितने का होगा? सबसे महंगे वाला 240 शॉट आ जाएगा और 500 शॉट भी आने वाला है, वो भी मिल जाएगा। ये कितने का होगा? ये लगभग 3,500 रुपए का, 3,500 का। और ये 10,000 की लड़ी, 10,000 रुपए वाली लड़ी आपको 3,000 रुपए में मिल जाएगी और अच्छी है ये, बहुत बढ़िया। 10,000 वाली लड़ी उनकी 3,000 रुपए में आपको मिल रही है। और जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो इस गोदाम का टूर दिखाऊंगा कि इस गोदाम में कौन कौन से पटाखे मिलते हैं, क्या रेट पे मिलते हैं। मतलब कि ड्रेस तो खैर इस वीडियो में मिल जाएगा, उस वीडियो में भी आपको ड्रेस मिल जाएगा।